कोरोना वायरस जो इस समय पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया, उस समय 22 मार्च यानी भारत देश में 22 मार्च यानी संडे वाले दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था। और उस जनता कर्फ्यू में भारत के हर एक नागरिक ने, सॉरी हर एक नागरिक नहीं, कुछ एक नमूने छोड़ देता हूँ मैं, उन नमूनों की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, बाकी इन नमूनों को छोड़ के हर एक नागरिक ने ये साबित कर दिया कि वो इस परिस्थिति में अपनी गवर्नमेंट और अपने देश के लिए वो एक साथ वो खड़े हैं। जनता कर्फ्यू के दौरान केवल नागरिकों ने अपने संयम का ही परिचय नहीं दिया, बल्कि शाम के 5 बजते ही सबने अपने अपने तरीके से उन सब का शुक्रिया भी अदा किया जो इस परिस्थिति में अपनी जान पर खेल रहे, यानी अपनी जान को भी उस जोखिम में डाल के उन बहुत सारे लोगों की जान को वो बचा रहे हैं, यानी डॉक्टर, नर्स, पुलिस और बाकी जो अन्य जो वर्कर्स जो हैं वो इस फील्ड में लगे हुए हैं लोगों को बचाने में, उन सब का शुक्रिया भी अदा किया। हाँ, ये बात भी गलत नहीं है कि कुछ लोग 5 बजने पे जैसे वो बाहर निकले, मतलब कि उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो, कुछ जगह ऐसे थे, लेकिन मैं उनकी भी बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तो एक अलग सा टॉपिक है, क्यों ना उसके ऊपर अलग सी वीडियो बनाए, वो एक अलग कंटेंट, भैया इतना सारा कंटेंट मिलता है तो क्यों ना बनाए, वो एक हंसी मजाक का एक पर्पस हो जाएगा। लेकिन इन सब को छोड़ें तो बहुत लोगों ने इसे सीरियस लिया और उन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया, अपने घर में अपनी बालकनी में रह के ताली या थाली या घंटी बजा कर या शंख बजा कर उन सब का शुक्रिया भी अदा किया। और इन सब में मुझे एक पर्सनली एक जो वीडियो जो मुझे बहुत पसंद आई जो ट्विटर पे मैंने देखी थी वो ये वाली थी। एक कचरा उठाने वाला इंसान इस बात को समझ सकता है कि इस महामारी के दौरान उनका भी शुक्रिया अदा किया जाए जो इन अपनी जान को खतरे में डालकर या फिर लोगों के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं ताकि उनको बचा सके, वो भी इस चीज़ का समर्थन कर रहा था और ताली बजा रहा था। लेकिन ये कचरा उठाने वाला इस बात को समझ सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में कचरा ही भरा हुआ है वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। ये कुणाल कामरा की एक फ़ोटो है, ये कुणाल कामरा वही है जिसने प्लेन में वो फाइट स्टार्ट कर दी होगी, याद होगा बड़ा ही चर्चा में कंट्रोवर्सी में रहा होगा। मुझे इसकी एक तो कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन की पहचान होती है कि वो देश विरोधी नारी बातें करता है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, वो ज़्यादा ही लिबरल होता है। तो ये लिबरल भाई साहब अपनी एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं ट्विटर पर, ठीक 21 मार्च को यानी 22 मार्च जब कर्फ्यू लगने वाला था जनता कर्फ्यू में, अपनी मिडल फिंगर को दिखाते हुए ये लिखता है कि वो कल की तैयारी कर रहा है। बेशक इसे गालियां पड़ी हैं अपने ट्विटर के इस पोस्ट के लिए, लेकिन मेरे अंदर भी तो भड़ास थी ना यार, वो भी तो निकालनी पड़ेगी यार। समझ सकते हैं कि किसी को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से दिक्कत है, लेकिन यार अपनी दिक्कत इतनी भी पर्सनली मत लो कि कोई इंसान अगर देश के लिए कर रहा है तो उस देश का भी तुम्हें, मतलब तुम उस देश में रह रहे हो बावजूद इसके भी तुम मिडल फिंगर दिखा रहे हो। मिडल फिंगर दिखा किसको रहा है, मतलब उन डॉक्टर्स को जो बचाने में लगे, उन पुलिस कर्मियों को या उन नर्सिस, उन वर्कर्स को जो इस फील्ड में अब मतलब इस खतरा मोल लेके लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। खैर मैं अगर कुछ कहता भी नहीं, लेकिन इनके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इस लिबरल इंसान के इतने फॉलोवर्स देख के मुझे लगा क्यों ना यार, इस ये कितनी गलत फहमियां लोगों के दिमाग में डाल रहा है, अपनी एक गंदी आइडियोलॉजी दूसरों के ऊपर थोपने पे लगा हुआ है। इस पोस्ट से ये साफ पता चलता है कि जो जवाब मांग रहा था ना प्लेन के अंदर, इससे साफ पता चल रहा है कि इसको कोई जवाब नहीं चाहिए था, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता देश से, चाहे कुछ भी हो जाए इसको फर्क पड़ता है अपनी जेब गर्म करने से। हाँ, इन जैसे कुत्ते भोंके भी बहुत होंगे अपने अपने घर में, वो भोंक भी रहे ही होंगे अब तो। और इस नमूने के बाद अब बारी आती है इस मिथिलिया फटके की, फटके या फड़के जो भी है, शायद यही नाम है, मुझे नाम प्रोनाउंसिएशन में शायद गलत हो सकता हूँ, देख लेना ये नाम लिखा रहा है। ओके, तो अब ये महारानी, ये मैडम, ये क्या लिखती हैं कि जो शंख बजा रहे हैं वो मदर
एफ से स्टार्ट होने वाला ये वर्ड, क्योंकि मैडम को बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है ना, जो इंग्लिश जान लेते हैं वो लिबरल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एफ से स्टार्ट होने वाली वो एक गाली देने लग जाते हैं। फिर इससे ये पता चलता है कि ये वुमन एम्पावरमेंट की निशानी है और ये बहुत ज़्यादा लिबरल है। या अक्सर ऐसा होता है कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं देते, वो देश से सम्मान करना नहीं सिखाते, तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो ऐसे पोस्ट कर देते हैं। वैसे ये एक आम सी बात हो गई आज की डेट में, अगर आपको फेमस होना है, आपको मतलब कि एक फेम में आना है, फेम यानी ठीक वो किसी भी प्रकार का फेम हो, भले ही देश को गाली देकर या किसी धर्म को गाली देकर। इसने जो कहा कि वो शंख बजा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यार, कोई अपनी मर्जी से खुशी से किसी का अभिनंदन कर रहा है, किसी का शुक्रिया अदा कर रहा है, तो तेरे को क्या दिक्कत है? इनसे लाख गुना तो वो कचरा उठाने वाला ही है जिसने एटलीस्ट ना पढ़ते हुए भी इतनी चीज़ समझी कि उसे इस चीज़ का समर्थन करना है, उनका शुक्रिया अदा करना है। तो ये सब चीज़ें यार, पढ़ा लिखा एक इंसान जिनके इस दिमाग में ही कचरा भरा हो, और एक कचरा उठाने वाला इंसान जो इतना दिल से साफ इंसान है यार, कितना कितना गिरोगे यार नीचे? एक लिमिट होती है नीचे गिरने की, गाली देने की। तुम तो यार हर हद ही पार करते जा रहे हो। एक देश की बात आती है, तुम्हें एक धर्म को टारगेट करना होता है, वो धर्म तुम टारगेट कर देते हो, धर्म छोड़ो फिर तुम देश के ऊपर भी आ जाते हो। कुछ तो शर्म करो यार, इसी देश में रह रहे हो, इसी देश का तुम खा रहे हो। यार उनका कर भी क्या सकते हैं जिनके दिमाग में कचरा भरा हो, जिनको कितना ही समझा लो, वो कचरा ही खाएंगे, कचरा ही हगेंगे, वही खा लेंगे ये लोग। यार ये कोरोना चखले, अरे मुझे नहीं इनको चकले रे, इनको पता तो चले। खैर बस इतना ही था आज के लिए इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।